एक सिंपल सी और सभी की पसंदीदा इडली को हम थोड़ा सा टेस्टी और डिफरेंट कैसे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतीज किचन। तो चलिए कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं लावा इडली। बहुत ही टेस्टी और यम्मी है, तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम बैटर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप सूजी, यहाँ पे 1.5 कप सूजी ले लिए। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 कप दही। तो दही आप यदि आपका थोड़ा सा खट्टा होगा तो उसमें बहुत ही अच्छी सॉफ्ट इडली बनेगी इससे। तो देखिए यहाँ पर बैटर को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह दाल और चावल का जो बैटर बनता है इडली के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं लावा इडली के लिए। यदि हमारा अचानक खाने को मन कर रहा है इडली, कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली है हमारी सूजी की इडली। तो चलिए हमारा बैटर यहाँ पर रेडी हो चुका है, थोड़ा सा इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो चलिए अब हम सांभर की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप अरहर की दाल। तो सांभर बनाने के लिए आप अरहर की दाल का ही यूज़ करें। अब इसे हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं 3 कप पानी। तो इसमें मैंने 3 कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम रख देते हैं गैस पर बॉयल आने के लिए। तो गैस की फ्लेम अभी हाई पर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दाल में बॉयल आ चुका है और ऊपर ये जो वाइट फेस आ रखा है आप इसे बिल्कुल हटा दीजिए, ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर इसमें मैं अब ऐड कर देती हूँ वेजेस। तो यहाँ पर 1 कप मैंने लिया है मिक्स करा हुआ, ये है क्यूब में कटे हुए घिया और कद्दू, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर यहाँ पे 1 प्याज लिया है मैंने, उसे स्लाइस में कट कर लिया है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें डाल देती हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को हम प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम हमें रखना है मीडियम टू लो। अब इसे हम लॉक कर देते हैं और 3 सीटी तक आने तक इसे वेट करेंगे। तो हमारा सांभर कुक हो रहा है, तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कटोरी यहाँ पर मूंगफली के दाने, इन्हें पहले ही रोस्ट कर रखा है मैंने। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्ची। तो 2 से 3 हरी मिर्ची आप इसमें ऐड कर दीजिए। फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ, तो 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियाँ ऐड कर दिए। फिर इसमें हम डालेंगे नमक, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर दीजिए। फिर इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। तो दही आपका इसमें खट्टा होगा तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम लगा देते हैं चौंक। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम ऐड कर देंगे राई। तो यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने राई ऐड कर दी है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देते हैं। अब हमने जो तैयार करी हुई ये चटनी है मूँगफली की वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी मूँगफली की चटनी भी रेडी हो चुकी है। चलिए इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। डिलीशियस ही मूंगफली की चटनी रेडी है, तो किसी भी स्नैक्स के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सांभर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया है। दाल बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, देखिए ज़्यादा इसे हमें लिक्विड नहीं रखना है, बस इसी प्रकार से इसे थिक रखना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। अब इसमें हम लगाते हैं छौंक। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रखा है, इसमें 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल। आप चाहते तो घी का भी इसमें छौंक लगा सकते हैं। अब जो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/2 टेबल स्पून राई। तो यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने राई ऐड कर दी थी। अब इसमें जब अच्छे से चटक जाएगी फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/4 टेबल स्पून हींग। तो यहाँ पे मैंने हींग ऐड कर दी थी। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं कड़ी पत्ता। तो 3 से 4 कड़ी पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 2 टमाटोज़ की प्योरी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इसे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। फिर इसमें मैं 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है सांभर मसाला। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इसे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ यह मैं इमली का पल्प। तो इमली को भिगो कर मैंने उसका पल्प निकाल लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब हम ये जो छौंक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है इसके ऊपर हम दाल के ऊपर इसे स्प्रेड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो बस इसी प्रकार से इसे हमें थिक रखना है, ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है सांभर को हमें। तो चलिए अब हमारा सांभर भी रेडी हो चुका है, चटनी भी तैयार है, अब आती है इडली की बारी। तो यहाँ पर हम बैटर को चेक कर लेते हैं, सूजी फूल चुकी है। इसमें थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको लिक्विड बनाएंगे जिससे हमारी जो इडली है एकदम सॉफ्ट और फ्लफी सी बने। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
आप देख सकते हैं हमारे इडली के बैटर का थिकनेस कुछ इस प्रकार से रहनी चाहिए। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक डाल के आप इसको मिक्स कर लीजिए। 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड करा है। फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं ये है सोडा। तो ये खाने वाला सोडा मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 टेबल स्पून। अब इसको थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं इसके ऊपर एक्टिव करने के लिए। अब पूरे बैटर में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं इडली का बैटर एकदम रेडी है। अब हम बनाते हैं लावा इडली। तो लावा इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली गोलगप्पे। जी हाँ, ये वही गोलगप्पे हैं जो आप पानी के साथ मार्केट में खाते हैं। तो चलिए अब इस ऊपर हम यहाँ पे हल्का सा होल कर लेते हैं सभी पताशियों में। ध्यान रहे और कहीं से ना फूटे। तो देखिए सभी पताशियों में मैंने यहाँ पर होल बना लेती हूँ। अब हम इडली बनाने के लिए यहाँ पर कटोरियों का यूज़ करेंगे और कटोरियों को पहले से मैंने ऑयल से ग्रीस कर रखा है, क्योंकि ये जो लावा इडली है ये इडली पॉट में नहीं बन पाती है। इसके लिए थोड़ा गहराई वाला बर्तन चाहिए होता है हमें। आप चाहें तो कागज़ के जो बाउल आते हैं आइसक्रीम वाले उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सभी कटोरियों को हम थोड़ा 1 टेबल स्पून यहाँ पर जो इडली वाला बैटर है हम पहले डाल देते हैं। तो सभी कटोरियों में मैंने यहाँ बैटर डाल दिया है। अब लिया है हमने गोलगप्पा। अब इसके अंदर हम भर देंगे सांभर। तो पूरे गोलगप्पे को आप सांभर से भर दीजिए। तो स्पून की सहायता से हम यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सांभर भर देते हैं गोलगप्पे में और सभी कटोरियों में बीच में से रख देते हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे हमारे इडली के बैटर से। तो इसलिए ज़्यादा बड़ी कटोरियाँ नहीं लेनी है हमें, जितनी आपकी गोलगप्पे साइज़ वाली कटोरियाँ यूज़ करें, नहीं तो ज़्यादा इडली जो बैटर है उसका स्वाद आएगा। तब हम यहाँ पर इन्हें स्टीम करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर पहले से मैंने स्टीमर रेडी कर रखा है। अब हम इसमें हम रख देते हैं 15 से 20 मिनट तक के लिए। बीच में आप इसे चेक कर सकते हैं नाइफ की सहायता से। तो चलिए अब इसे 15 मिनट तक हम स्टीम होने देते हैं। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं इडलियों को, देखिए कितनी बढ़िया से कुक हो चुकी है। अब इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही अब नाइफ की सहायता से इडली को अलग करें कटोरी से, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब मैं यहाँ पर कटोरी से अलग कर लेती हूँ लावा इडली को। तो मैंने यहाँ पर प्लेट ले ली है। देखिए नाइफ कितना इजीली साइड में जा रहा है, बहुत इजीली इडली निकल जाएगी। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म इडली तैयार है लावा इडली। मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और अंदर इसके सांभर बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं दूसरी इडली आपको यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ। देखिए बीच में एकदम इसके सांभर है। अब इसको आप सर्व करिए चटनी के साथ में, बहुत ही डिफरेंट और यम्मी रेसिपी है। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी पहुँचे।